तो सनी का कल परसों में पूरा नहीं रहने दो ब्लॉगिंग। हां ब्लॉगिंग व्लॉग अगर नहीं बन जाएंगे तो स्टार्ट किया है। स्टार्ट किया हमने। सब्सक्राइबर कितने हैं? सब्सक्राइबर्स 12-13 होगा। मेरे पे ज़्यादा नहीं। आपके कितने? 1100। अच्छा मेरे घर में सिल्वर बटन गोल्डन बटन है। अच्छा तो फिर क्या मतलब मेरी फैमिली में नहीं है। अच्छा अच्छा फैमिली में सैलून बाल को सही कराना था। बच्चे कह रहे थे क्या सही कराएंगे तो आज फाइनली टाइम मिल गया हमें तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। अब देखते हैं क्या रिजल्ट डालता है। ज़ारा कर रही फंस ज़ारा से हाय अभी मेरे मतलब हेयर्स में क्रीम अप्लाई हो गई है तो अभी इसमें करीब 1 घंटा लगेगा। 45 मिनट या 1 आवर लगेगा तब उसके बाद ये वॉश होगा। उसके बाद ही रिजल्ट आएगा पूरा। मतलब अभी टाइम लगेगा 1-1.5 घंटा तो लगेगा ही। तो भाई फाइनली मेरे बाल ड्राई थे सिल्की हो जाएंगे। बहुत दिन से परेशान थे बाल सही हो जाए तो फाइनली आज हो जाएंगे। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे। तो बस आप लोग व्लॉग साथ बने रहिएगा जो भी होगा बताते रहेंगे आप लोग को और लास्ट में बताएंगे कितने का हुआ क्या हुआ सब। गाइस खा रहे मैगी। बहुत तेज भूख लग रही है तो हमने सोचा मैगी खाते हैं बैठ तो बस फाइनली हो गए हैं मतलब आधे हो गए। अभी आयरिंग बाकी बस मतलब लास्ट स्टेप बाकी बाकी हो गए। मेरे सफ़ेद सफ़ेद बाल दिख रहे हैं उसका कुछ करेंगे अभी या कटवा देंगे या कुछ भी तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे सही लग रहा है। बस लास्ट बचा ही उसके बाद घर निकलेंगे फिर। बस बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया बस में टाइम लगता ही है। आपको घर पे ही जाकर पूरा लुक दिखाएंगे अपना। सो हो गए डन। कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर। आप केयर कर ले बस। गाइस अब केयर करेंगे बहुत ज़्यादा वाली क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो गए थे। अब लग रहे हैं ना बढ़िया एकदम बहुत अच्छे किए हैं। थैंक यू सो मच ज़ारा। बनाना 2000 years later। तो गाइस हम लोग सब आ गए पार्लर से खड़े होकर चाय पीने। कौन सी वाली? दुबई 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 चाय। अब तुमने ज्यादा कर दिया। हमने चाय पी के जब हम जाएंगे ना तब इतरा रही है अपने बालों को देख देख के। सब तो हम 4-5 दिन में इतराएंगे। प्लेट कर लेके चलता था। गुप्ता को ये बहुत पसंद आया कह रही हूँ कल लेके जाएंगे। लेकिन अच्छा लग रहा है यूनिक लग रहा है ना ऐसे नहीं। अब खा लो अब चले फिर चलिए खाइए। तो गुप्ता ये लेके जाना है तुम्हें घर तो भाई हम लोग आ गए दुबई वाली चाय। बाल कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। गाइस आ गए घर। मम्मी मेरे बालों को देखे हो गई शॉक। कह रही तुमने पूरे बाल कटवा दिए। बस क्या करे थोड़े से तो कटवाना ही थे क्योंकि बहुत
बहुत ज्यादा डैमेज बहुत है, यहाँ से भी पीछे से भी, इसलिए कटिंग मैं थोड़ी सी कटिंग भी करा ली है और बाल अच्छे हो गए फाइनली मेरे। आप लोग बताइएगा कैसे लगा भाई, बहुत दिन से हमें ये वाले बालों की नीड थी तो फाइनली हो गया। भाई सबको मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे लगे, अब इकरा बातों में इकरा पूछेंगे कैसे लग रहे हैं बाल, और सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं, सब बोलने बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप लोग भी बताइएगा और माशाल्लाह ज़रूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स बाल फैशन वैशन तो सब हो गया, अब हम आ गए किचन में खाना बनाने। अभी किचन मेरा मैसी मैसी है, आज हम बहुत दिनों बाद अपना किचन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सेट नहीं किया इस वजह से नहीं किया क्योंकि फ्रेंड्स पेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी प्रॉपर कुछ नहीं सेट किया, तो ऐसे ही है अभी। अभी किचन बनवाना भी है फ्रेंड्स, अभी इंशाल्लाह रमज़ान से पहले मॉडर्न किचन हम बनवा लेंगे। भाई ये ज़रूरी था क्योंकि शादी थी फ्रेंड्स घर में, और फिर बाल इतने ज़्यादा ख़राब थे, कोई हेयर स्टाइल भी करते थे तो भी बुरा लगता था, तो इसलिए अब माशाल्लाह मेरे बाल अच्छे हो गए तो बहुत खुशी हो रही, सबसे ज़्यादा तो हमें बालों की खुशी है आज अपने। आप लोग सोच रहे हैं इतरा नहीं रहे फ्रेंड्स, हमें हमेशा से स्ट्रेट बाल ही पसंद थे, हमेशा से, पहले भी मेरे बाल स्ट्रेट थे, पहले जब हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे तो हमने ये तीसरी चौथी बार कराए शायद, हमें याद भी नहीं है, तो आप लोग बताइएगा जरूर। अभी इकरा से पूछते हैं कि कैसे लग रहे हैं, वैसे इकरा कह रही थी इंसान लग रही हो अब तुम, क्योंकि फ्रेंड्स पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा खराब थे। मेरे हेयर कैसे लगे बोलो बताओ, देखिए फ्रेंड्स देखा सब तारीफ कर रहे हैं, आप लोग आप कॉमेंट करके बताइएगा। ओके चलिए अभी खाने पीने का देख लेते उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फ्रेंड्स कल है अल्फिया का मांझा, तो फ्रेंड्स फाइनली अब शादी वाले व्लॉग आने वाले, आप लोग वैसे भी मेरे शादी वाले व्लॉग ज़्यादा पसंद करते हैं, घर वाले नहीं पसंद करते हैं, बताइए कमेंट कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं शादी वाले या वाले, बहुत इंजॉयमेंट होगा इंशाल्लाह। तो कल से फंक्शन स्टार्ट होते हैं, कल है मांझा और परसों है मेहंदी और फिर संडे को या सैटरडे को है बारात, तो तीन दिन ब्लॉग बनाएंगे हम, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा देर में आएंगे तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, लेकिन आएंगे ज़रूर और बढ़िया। और सारी तैयारी तो कर ली फ्रेंड्स, बस मेरे बाल रह गए तो वो हमने आज फाइनली मतलब सही करा ली है, तो बिल्कुल वो करा लिया, गवार ये देगी जा कल दावत नगर तुम खाना नहीं चाह रही हो काट देंगे, देखिए चूड़ियों की बाजार मेरे घर में लगी, चूड़ियों का एक सेट ले लो स्टैंड जारवन बांधे पुराने जमाने था वो टूट गया है, फ्रेंड्स हमने निकाल लिए देखिए अपने मांझे की, हम मल्टी पहनेंगे येलो ग्रीन ऑरेंज निकालो क्या पिंक, क्यों ऑरेंज चाहिए आपको, ये मेरे इयर रिंग कल जो पहनेंगे क्यों लगाना है इसमें ऑरेंज, तो कल की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स मांझे ग्रीन पहनी है मांझे ने मतलब ऑरेंज पहनी पैक कर दिया था, रख दिया सारे सूट, तो गाइस मांझे की तैयारी हो रही है, अल्फिया की फ्रेंड्स पैकिंग हो रही है, सब ये दुपट्टे बढ़ा के पैकेट वापस लिया ना, हाँ ये देखिए कह रही मैं अभी हम अमीनाबाद से लेके आए सब अर्जेंट, ये सब ये पैकेट जो वाली है देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, ये फिर काला का सूट है, ये नमरा का है, ये यूसुफ का है, ये राजा मम्मा का है, और ये अल्फिया का है, इकरा मानेगी उससे कंगना, ये देखिए बस अल्फिया का सूट तो अभी हम रिसेंट लेके आए अर्जेंट में, और ये लड्डू लाए केले लाए इकरा, ये तो पैक कर रही सब सबकी चूड़ियाँ, तो वही सब पैकिंग हो रही है जाने के लिए, तीन चार बज गया तो बस पैकिंग कर लें, इकरा पहले चली जाएगी, हम मम्मी और इकरा बाद में जाएंगे, क्योंकि अभी फिर यहाँ पे दरवाज़ा लगेगा ना, तो इसलिए उसके इंतज़ार में बैठे, हो गई सब तैयारी। सो गाइस कहीं जाना हो और अमीनाबाद ना जाना हो मतलब अर्जेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप लोग साथ भी ऐसा होता होगा, होता है कि नहीं होता, गाइस मेरी हालत है कि मेरे बाल हाल सब खराब हो गए, बुरखा उड़ गए फिर इतना ज़्यादा ट्रैफिक, किस तरीके से फिर गाड़ियाँ निकाल के हम लाए हैं गाड़ी, हम सब गुप्ता गए थे उसको लेके गए थे, बेचारी को चली जाती है जगह में से, तो हम लोग ने इधर उधर से गाड़ी निकाल के तब घर पहुँचे, उसको घर छोड़ा फिर हम घर आए, तो इकरा पैकिंग कर रही है, तो फिर अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, देखिए बस कल से हम पीला ही पहला पहने और बस, तो अब वहीं जाके अप्पी में रेडी होंगे, क्योंकि जहाँ अप्पी रहती है वहीं खाला की भी ससुराल है, तो आसी पास घर है, तो अब पहले अप्पी में ही जाएंगे, वहाँ से रेडी होंगे उसके बाद जाएंगे वही वेन्यू पर जहाँ पे मांझा है, तो बस व्लॉग के साथ बने रहिएगा, अब डायरेक्ट
आपसे रेडी होने के वक्त मिलेंगे या आपके घर पहुंच के। तो बस मैं थोड़ा बिजी है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए आप लोग, सब कुछ दिखाएंगे आप लोग को, जो भी सेलिब्रेशन होगा जैसे जैसे होगा सब कुछ, जैसे हल्दी में मेहंदी में होता है, मांझे में होता है, तो वैसे ही होगा, देखते हैं।